हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है। सैमसंग का यदि आपका कोई भी फ़ोन हो दोस्तों और अचानक आपका मतलब टच काम करना बंद कर दे, आपका टच हैंग हो जाए, मतलब ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर ऐसे सेट में होता है जिसका फोल्डर बदला होता है, जिसका फोल्डर बदलने के बाद मतलब सही से चलता है, उसके बाद अपने आप चलना बंद कर देता है, या मतलब आपके मोबाइल में मतलब सब कुछ सही है और आपका टच हैंग हो गया है, एकाएक आपका टच काम करना बंद कर दिया है, तो आपको क्या करना है इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। ये देखिए, इसका टच मतलब काम नहीं कर रहा है। तो सैमसंग का आपका कोई भी फ़ोन हो यदि आपका टच काम ना करे, तो आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से आपको अपने मोबाइल को रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है दोस्तों। तो रिबूट और रीस्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जब पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे थोड़ा टाइम तक, तो ये मतलब स्विच ऑफ नहीं होगा दोस्तों। तो हमें इस वीडियो में बताऊंगा कि मतलब आप अपने मोबाइल को कैसे आप जो है रिबूट करोगे, रीस्टार्ट करोगे दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो है यहाँ पे आपको जो है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आप एक साथ प्रेस करोगे लगभग 10 सेकंड तक, तो आपका फ़ोन जो है रिबूट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हम इसको 10 सेकंड तक प्रेस करके रखते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने जो है पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन दोनों बटन को एक साथ प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए हमारा फ़ोन जो है रिबूट हो गया, रीस्टार्ट हो गया दोस्तों। रीस्टार्ट होने के बाद हमारा फ़ोन जब ओपन आएगा, तो हम चेक करेंगे कि हमारे मोबाइल का जो है टच काम करने लगा या नहीं काम करने लगा दोस्तों। यदि आप अपने मोबाइल में फोल्डर चेंज करवाए हो, तो ऐसा प्रॉब्लम अधिकतर होता है। यदि आपका अचानक टच काम करना बंद कर दे, तो आपको फ़ोन को एक बार रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है दोस्तों। तो आप इस प्रकार से वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन दोनों बटन को लगभग 10 से प्रेस करके रखोगे दोनों को एक साथ, तो आपका फ़ोन जो है रिबूट रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा फोन रिबूट रिस्टार्ट होने के बाद जो है काम करने लगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।